सलमान खान को 9/51 के अपराध के अंदर दोषी माना है, जिसके सजा के बिंदु पर भी बहस जारी है तथा सलमान खान के अलावा अन्य सारे अभियुक्त सैफ अली, सोनाली, तबू, नीलम, दुष्यंत सिंह और सभी को संदेह का लाभ देके न्यायालय ने बरी किया है। लेकिन अभी सलमान खान के संबंध में अभी न्यायालय के अंदर उनके अधिवक्ता द्वारा बहस की जा रही है। उसके बहस के पश्चात ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्री भवानी सिंह जी भाटी है, जो विधि अधिकारी है, उनके द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा ये निर्णय किया जाएगा कि उनको कितनी सजा दी जाए। एडवोकेट महिपाल इज विद मी हु वाज सर, आप कोर्ट में थे, सलमान खान को सजा दिलाई गई थी तो किस तरह का उनका भाव था? सर 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 Mr. Mahipal, we just want to understand what exactly happened inside the court. And Salman Khan has been convicted already. Salman Khan ka reaction kis tarah ka sir? Court proceeding ki baat yahan nahi ki ja sakti. About the quantum, sir. बताएं क्या हुआ था? अभी तक जो न्यायालय के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा जो निर्णय दिया गया है, उसमें सलमान खान को 9/51 का दोषी माना गया है तथा अन्य जो दूसरे अभियुक्त है, जिसमें सैफ अली, सोनाली, तबू और नीलम, उन सबको उनको संदेह का लाभ दिया गया है। संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। अभी तो संदेह के लाभ के आधार पर उन्हें दिया गया, लेकिन सलमान खान की जो सजा के बिंदु पे है, उनके अधिवक्ता के द्वारा अभी न्यायालय में बहस जारी है और न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि इस पहले सलमान खान के अधिवक्ता वो अपना इसके लिए कहेंगे कम से कम सजा दी जाए, उसका जवाब विधि अधिकारी श्री भवानी सिंह जी भाटी के द्वारा उनका जवाब दिया जाएगा। तत्पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री देव कुमार जी खत्री के द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा कि इनको कितनी सजा दी जाए।